नमस्ते भाई दोस्तों, हम रीना और रीना की दुनिया में आपका स्वागत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम ना अभी मंदिर जा रहे हैं और मंदिर आज ही स्पेशल दिन है ना, अमावस्या है, और हम ना अगहन का पूर्णिमा और आषाढ़ महीना के अमावस्या में मंदिर भी जाते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है और ऐसे हर महीना दान करना चाहिए अमावस्या पूर्णिमा में, लेकिन इसमें खास कर करते हैं और थक भी रहे हैं दोस्तों। तो चलिए मंदिर पहुँच गए हैं, घर के सामने ही मंदिर है, तो आप लोग से मिलते हैं, आगे बात करते हैं। और ये देखिए आ गया शिव मंदिर। और देखिए छोटी और हस्बैंड को भेज दिए थे, भेजने के बाद जल्दी से नहाकर घर का काम फिनिश करके मंदिर आ गए हैं और ना आज पूजा करने आए हुए हैं। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी जो आ रहे हैं ना, उसके चक्कर में हाफ गया क्योंकि हमको बाहर भी कहीं निकलना था, समय हो रहा था। तो देखिए दोस्तों, हम ना घर आ गए हैं, अभी पूजा मेरा मंदिर में हो गया है और इसके बाद हमको कहीं बाहर निकलना है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी रखते हैं और जल्दी से तैयार हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग तीनों जन कहीं जा रहे हैं, आपको बोले थे ना कि अभी मंदिर से और ऐसे ही भागना पड़ेगा। तो क्या है, देखिए सब तो अच्छा से एकदम सज गई, हम ही नहीं सज पाए क्योंकि मंदिर से आए और आने के बाद सीधा निकल गए, नाश्ता भी नहीं किए, एक पूड़ी सिर्फ डाले हैं मुँह में और आ गए। बोले कि जाना क्योंकि एक फ्रेंड का ना तबीयत ख़राब है, तो देखने का बात हुआ था कि हम लोग जाएंगे सभी कोई, तो मेरे चलते लेट होता ना, इन लोग तैयार हो चुकी थी, दो बार फोन आ चुका था, तो बस ऐसे जैसे थे वैसे ही आ गए, घर के कपड़े में ही आ गए। तो चलिए कहाँ जा रहे हैं, आप उस फ्रेंड से मिले हुए हैं, उनसे भी मिलाएंगे आप लोगों को। आप बोले दरवाजे खोल के रखिए, हम खोल के रखे हैं। बहुत अच्छा किए खोल लें। नमस्ते, वायरल करेंगे, यूट्यूब में डालेंगे। ये बोल रही है इनको बूढ़ी और ये एक्सेप्ट की है कि हम बन गए हैं बूढ़ी। अभी सासू माँ बनी है, नानी पहले बन चुकी है, दादी माँ बनने का तैयारी है। आपको बूढ़ी नजर आ रहा है, देखिए, देख लीजिए आप दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। और देखिए दोस्तों, यही मेरी बेस्ट फ्रेंड और सासू माँ बन के इसलिए अपने आपको बूढ़ी समझ रही है। आप लोग बताइए, बूढ़ी दिख रही है क्या किसी एंगल से? हम ही बल्कि बूढ़ी दिख रहे हैं। नहीं नहीं, आप तो बहुत ज्यादा बच्चे हैं। तो दोस्तों देखिए, हम यहाँ जो आने वाले थे आए हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं, मेरी सहेली अच्छी दिख रही है, फिट हो गई है अभी, तो चाय नाश्ता लेकर के आए, चाय नाश्ता करेंगे और फिर इसके हम लोग घर जाएंगे। और देखिए इस बच्ची को कैसे दिख रही है, सोकर उठी हुई है, कुछ बोलो 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 डोला बोलो बोल। तो देखिए दोस्तों, हम लोग घर आ रहे हैं और धूप हो गया, जब जा रहे थे ना तो थोड़ा भी धूप नहीं था और अभी धूप हो गया, तीन मूर्ति, अब घर जाएंगे, खाना भी हम लोग को बनाना है, खाना नहीं बना हुआ है, तो चलिए क्या बनाएंगे आप लोग को बताएंगे। हम आ गए अपनी दोस्त के घर से, उनको देख रहे थे और हम जल्दी से खाना बना लेते हैं क्योंकि 12:15 हो गया और हस्बैंड भी आ जाएंगे 1 बजे। तो हम जो छोला बनाए थे ना, तो ये खाली कर ले रहे और इसी कुकर में ना सोचा था जीरा राइस बनाएंगे, पर अब जीरा राइस नहीं बनाएंगे और सिंपल सा चावल बैठा लेंगे इसी में अपने लिए और उनके लिए ना ये कर देंगे रोटी, वो आएंगे तो बना देंगे गरम गरम, कुछ भी नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत थक गया है, पैदल गए थे ना, तो इसमें हम चावल डाल दे रहे हैं। और दोस्तों बनाने के बाद वीडियो हम बंद करेंगे क्योंकि थक गए हैं थोड़ा, कंघी यहाँ दिख नहीं रहा है, कंघी ऊपर से हम लिए थे, तो दूध वूध का केन उनसे ले लेंगे ना, तो ले लीजिए, हम जल्दी से तैयार हो जाते। और देख सकते हैं दोस्तों, हम तैयार हो गए हैं और आज सुबह से ना दोस्तों आए थे वहां से ना सहेली के पास से, उसको गए थे फ्रेंड्स का तबियत थोड़ा खराब था, तो उन्हीं को देखने गए थे हम लोग, तो वहां से आए ना तो बहुत थक गए थे, खाना बनाए, खाना बनाने के बाद हस्बैंड आ गए थे तो उनको खाना दे दिया, खाना दे करके सीधा सो गए थे, आज कुछ भी काम एक्स्ट्रा कर ही नहीं पाए। और आज बोले थे ना आप लोग से कि अमावस्या है, कहीं जाएंगे, और मैं ध्यान से बिल्कुल उतर गया, सो कर उठे हैं, बर्तन धोए हैं, दिया बत्ती भी नहीं किए थे, ये बोल रहे जल्दी चलिए तैयार हो जाइए, तो जा रहे जल्दी से तैयार हो लिए हैं, अब जा रहे हैं। बने रहिए है हमारे ब्लॉग में दोस्तों, कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, क्या है स्पेशल दिखलाएंगे। दूध का केन ले लीजिए, सुने
तो देखिए हम जो नहा लिए थे, नहाने के बाद हमको कहीं जाना है ना, इसलिए नहा लिए थे, नहाकर दिया बत्ती भी कर लिए थे और हम लोग दूध का केन ले रहे हैं कि उधर से दूध लेते आएंगे। छोटी आ गई है और वो आई है तो उसके सर में दर्द है, वो सो गई है। तो हम बोले कि बाहर से ताला बंद करके चले जाएंगे हम लोग। और आज ना अमावस्या था, जाना बहुत ज़रूरी था, इसी वजह से हम लोग को जाना पड़ रहा है, नहीं तो नहीं जाते, क्योंकि बेटी के सर में दर्द है ना, तो फिर आएंगे हम तो खाना बनाना खुद से ही पड़ेगा, तो नहीं जाना था। हड़बड़ी है जाने का, लगा छोड़ के चले जाएंगे, इतना हड़बड़ी कर रहे जो। बोलो मेरा सामान निकल गया। और देखिए हम ना यहाँ राशन दुकान आए हैं, आने के पहले ही दोपहर में ही हम लोग फ़ोन करके बोल दिए थे यहाँ पर कि हम लोग का ना 10 पैकेट बना दीजिएगा। तो इसमें ना सभी पैकेट में है, चावल है, आटा है, आलू है, चावल है, आटा है, हल्दी है, नमक है, मसाला है और तेल का एक सीसी है। ये सारा करके 10 पैकेट हम लोग बोल दिए थे फ़ोन करके इनको डालने के लिए। तो नमक डालना भूल गए थे, तो वही सब में फिर से खोल कर नमक डालना पड़ा। और यहीं पे पानी बॉटल बगल में था दुकान, तो वहाँ से पानी बॉटल भी 10 ले लिए हैं। और लेकर फिर हम लोग कहीं अपने जहाँ जा रहे हैं, तो रास्ता आज ना बहुत जाम है, रोड पे देख सकते बहुत भीड़ है, तो साइड से हो करके जा रहे हैं। और इतना लेट हो गया वहाँ पहुँचने में कि शायद जाएंगे तो हमको जिसका तलाश मतलब जिसकी तलाश में जा रहे हैं वो लोग शायद नहीं मिल पाएंगे इस टाइम। तो देखिए हम लोग कार में ही बैठ करके ना, जैसे आलू भी लिए थे तो आलू सब्जी वाले से लिए थे ना, तो नहीं इसमें डाला था, तो राशन वाला पैकेट में सिर्फ राशन था। सकते दोस्तों, हम लोग मंदिर के पास आ गए हैं, थोड़ी दूरी पे और जाना तो हम लोग यहाँ पे रुक करके और अपना सामान पूरा जो था एक जगह सेट कर लिए हैं। जैसे पैकेट था ना, तो अलग अलग उसमें आलू डाल लिए, पानी का पैकेट बॉटल भी डाल लिए, ये पूरा पैकिंग कर लिए यहाँ पे रुक कर, तब मंदिर में जाएंगे और वहाँ पर दे देंगे सभी कोई को। तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि हम कहाँ आए हैं। तो हम यहाँ ना मंदिर आए हैं, यहाँ अमावस्या है, अमावस्या में पूजा होता है, काली मंदिर है यहाँ पर। तो हम यहाँ आए और यहाँ कुछ ज़रूरतमंद हमको मिल गए, तो हम उन लोगों को दे दिए पैकेट। और कुछ ज़रूरतमंद हमको, हम राम मंदिर भी चले गए थे, वहाँ दे दिए। और दोस्तों हर पूर्णिमा अमावस्या में हम नहीं दान करते हैं, लेकिन बोले ना आषाढ़ का पूर्णिमा, आषाढ़ का अमावस्या और अगहन का पूर्णिमा में हम विशेष करके करते हैं। और मैं ना अपने बच्चों के जन्मदिन पर भी दान पुण्य करते, तो उनका जन्मदिन जो डेट बाई डेट होता है और ये तिथि के मुताबिक था, तो हम तिथि के मुताबिक भी दान कर देते हैं। तो बेटा मेरे को पैसा दिया था कि मम्मी आपका जो इच्छा है आप कर दीजिए, क्योंकि हम इसे पापा से मांगते हैं तो बड़ी कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते हैं। तो बेटा को हम बताए थे मेरा ऐसा इच्छा है, और ये हम पिछले साल भी किए थे, तो उस समय हम YouTube नहीं जब बनाते थे ना, तो ठंडा में गए थे हम, तो फरवरी से YouTube बना रहे, तो ठंडा के दिन में हम गए थे, तो वहाँ दान किए थे। पर वहाँ के ज़रूरतमंद लोग जो थे ना, मेरे से पूरा झोला खींचने लगे थे, इसलिए हम पैकेट जैसे जैसे हमको मिलते गए लोग वैसे वैसे हम दे रहे थे। इस बार हम पैकेट पूरा झोला में निकाल कर नहीं लाए थे, तो इस बार ज़्यादातर रास्ता में जो जो जहाँ जहाँ जैसे दिखी वहाँ वहाँ पर भी हम लोग उतर के दे ही दे रहे थे। और फिर राम मंदिर गए थे तो वहाँ पर भी बहुत लोग को दे दिए थे पैकेट, ऐसे पूरा 10 पैकेट जो था वो कंप्लीट कर दिए थे। तो ये देखिए राम मंदिर हम जो गए थे उस दिन 1 जुलाई को, तो रात में यहाँ भी आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे भी अमावस्या में अच्छा खासा पूजा हो रहा था, भीड़ भी था, बहुत लोग आए हुए थे, तो मतलब बहुत अच्छा लगा, मन को सुकून मिला। पर जल्दी घर भी जाना था हम लोगों को ना, क्योंकि छोटी सोई हुई थी, घर जाके खाना बनाना था, और रात बहुत हो जाने की वजह से बहुत ज़रूरतमंद नहीं भी मिल पा रहे थे, तो जहाँ रास्ता में मिले वहाँ पर भी दे दिए और देकर पूरा 10 पैकेट हम अपना कंप्लीट कर लिया। और इन लोगों का आशीर्वाद मिल रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था, लग रहा था कि मेरे बच्चों पे इनका आशीर्वाद लगेगा, ऐसा महसूस हुआ, तो बहुत सुकून मिलता है। कभी कभी ये सब भी करते रहना चाहिए जीवन में, अच्छा लगता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग मंदिर से आगे कालीबाड़ी मंदिर गए थे, वहां से आगे कुछ दान वहां पे किए और कुछ राम मंदिर में जो मिले, जैसे लोग मिलते गए वैसे हम दान कर दिए। आज अमावस्या था, अमावस्या के दिन दान करना चाहिए, वही हम दान करने गए थे मंदिर। और दोस्तों मेरा ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम अपना वीडियो बनाना यहीं बंद करते हैं और अब जाते हैं किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि ना 9:30 हो गया है, छोटी भी घर में थी तो जा रहे हैं, वो भी कुछ बनाई नहीं हुई है अभी, तो देखेंगे। तो इनके लिए ना रोटी बना देंगे और हम लोग माँ बेटी चाउमीन अपना बनाकर अभी खा लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो बनाना भी यहीं पे बंद करते हैं। हर हर महादेव, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।